अंतर जातीय विवाह के लिए अविनाश कुमार एवं सीमा कुमारी को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मध्य विद्यालय परासी की शिक्षिका सुमन कुमारी उद्योग विभाग की पीएमएफएमई योजना में डीआरपी के रूप में अच्छा काम करने के लिए बेजू भैया बासुरिया बजा दीजिए अब बोर्ड से मेंटर के रूप में मोहम्मद सोहेब आलम राजीव कुमार मीना कुमारी उत्तमित मध्य विद्यालय परासी शिक्षा के क्षेत्र राजीव कुमार उत्क्रमित मत उच्च विद्यालय बलिदार जिनका पुकारा नाम अनय सिंह है बड़े ही अच्छे शिक्षक ऐसे शिक्षक अरवल के सुनीता देवी वानिकी के क्षेत्र में बेलौरा की है देखिए इनको पकड़ लीजिए ममता कुमारी गुंजन देवी गुंजन देवी तेजी से आइए गुंजन देवी बांकी के क्षेत्र में अच्छे नर्सरी के लिए इनको सावित्री देवी पर्यावरण के लिए नहीं है पेड़ बचाने के लिए रविरंजन कौन है अरे ये कौन है ये क्या बात हुई कितना पेड़ बचा है कितना उसके बाद रेखा देवी नेक्स्ट नागमणि देवी कितने पेड़ बचाई हैं आप नागमणि देवी ये भी बहुत पोषक है देखिए देखिए मीना देवी एसएससी जी मीना देवी आइए आइए सहायता के अंतर्गत कांति देवी को 50,000 रुपये का भुगतान कांति देवी इसी तरह सुश्री पिता राम कुमार भुगतान स्वीकृति रंजी कुमार इसके बाद है स्वर्गीय जितेंद्र ठाकुर की आश्रित पत्नी रेखा देवी इनको भी उसी योजना के तहत 30,000 रुपये का स्वीकृति मिल रही है इसके बाद मनरेगा योजना में अच्छे काम बेहतर काम करने के लिए वन पोषक के रूप में इसके बाद बिहार समस्त शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार सेवकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत स्वर्गीय कुरेशी की पत्नी हुसैना खातून और कॉपी मतलब
माता की जय। बाकी लोग और होली का जो है इधर आ जाइए, इधर घूमिए, इधर साइड हो जाएगा। राहुल अभिषेक आएंगे, कुंवनी राहुल कुमार जो 55 27 काम संख्या में काफी मेहनत की और भेदन किए काम काम, इनको पुरस्कृत किया जाए प्रशस्ति पत्र। चलिए राहुल भैया, राहुल भैया अनु आएंगे, अनु महेश इनका काफी गोपनीय शाखा में योगदान रहता है और एसीआर का अपडेट किए हुए हैं। अनु महेश प्लीज आ जाइए। बाकी को मैं ऑफिस में दे दिया जाएगा, बहुत जगह वही प्रशस्ति पत्र समय का अभाव कर रहा हूँ। जो पुलिस लाइन से रंगोली टीम बहुत अच्छा बनाया गया, उसमें मनोरमा कुमारी तैयार हो जाएंगे, ममता कुमारी, नेहा कुमारी, पूजा कुमारी, रजनी कुमारी, प्रीति कुमारी, अनुराधा कुमारी, संगीता कुमारी, कविता अपने अपने वहाँ से छोड़ के तुरंत आ जाएंगे। एडीएम साहब की तरफ से दिया जाएगा। इधर देखिएगा भैया, इनमें संजीव हरिकांत इस सब को भी पुरस्कृत किया गया है जो बाद में साहब के द्वारा दे दिया जाएगा। संजीव आए हैं क्या? हरिकांत, हरिकांत की जा रही है, हरिकांत के द्वारा इंजीनियर थाना में बहुत अच्छा काम किया। संजीव भी आ गया, हरिकांत साइबर अपराध में बहुत अच्छे इनका योगदान रहा। संजीव कुमार, संजीव कुमार कुमारी, संजीव कुमार अरवल थाना, ओ नहीं है, अनु महेश और विवेकानंद, राहुल अभिषेक, राहुल कुमार मेरे को नहीं। बाकी को आरएसएस वालों को बाद में दे दिया जाएगा समय का अभाव में। डीआईओ के आएंगे सिंटू कुमार, सिंटू कुमार आएंगे जो बहुत अच्छे 141-46 चला रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। कहाँ लगेगा कार्यक्रम में भी इस तरह का मैच देखने को मिल सकता है हम लोगों को, तो जो दर्शक छूट गए हो वो ध्यान देंगे कि अगली बार भी ऐसा मैच का आयोजन किया जाएगा। जाइए आ रहा है ना, बहुत ही मनोरम दृश्य नहीं खींचेगा लो आपको कप के साथ फोटो खिंचवाते हुए तमाम जिला प्रशासन के अधिकारीगण। बहुत ही यादगार पल अरवल के लिए, यहाँ के सभी लोगों के लिए। जिला प्रशासन के बीच मैच खेला गया था जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पत्रकार एकादश की टीम ने 106 रन बनाए। जवाबी कार्रवाई में जिला प्रशासन ने 9.2 ओवर में 107 रन बना के जीत हासिल की। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, फील्ड में खड़े तमाम दर्शक एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज का ये क्षण ऐतिहासिक क्षण अरवल के लिए। ऐसे हाथ थोड़ा सा नीचे की, एक फोटो
सर मेरे को फोटो नहीं आ रहा एजेंट साइन आ गए आगे बैठ जाइए एक स्माइल के साथ फोटो अरवल के लिए एक यादगार दृश्य जिसमें एडीएम सर को एसपी साहब के द्वारा मेडल लेकर सम्मानित करते हुए बहुत ही मनोरम दृश्य सामने से हटे थे सामने आज का ये दिन अरवल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक इसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है आप वीडियो साहब के वीडियो साहब कुर्ता साल में जितना कसीदा पढ़ा विजेता का मेडल पहनाते हुए एसपी साहब के द्वारा हमारे वरीय कोषागार पदाधिकारी सर को एसपी साहब के द्वारा मेडल पहनाते हुए कोषागार पदाधिकारी जवान सहायक खजाना इनके सहायक है यहाँ सहायक कोषागार पदाधिकारी को एसपी सर के द्वारा मेडल पहनाते हुए कार्यपालक पदाधिकारी श्री दिनेश सर नगर परिषद अरवल को एसपी साहब के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए बहुत अच्छा। विकास जी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आज के इस मैच में एसडीओ साहब आज का जो दर्शक लेट से आए हूँ मैं एक संक्षिप्त विवरण दे दूं एसपी साहब के द्वारा प्रशांत जी को मेडल देते हुए वीडियो साहब अरवल को एसपी सर के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए अवधेश सर सुबोध सर को एसपी साहब के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए देर से दर्शकों को मैं संक्षिप्त विवरण दे दूं जोरदार तालियों से स्वागत करें एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम सर को एसपी साहब के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें तालियों की गूंज पूरे अरवल में जानी चाहिए एसडीपीओ सर को एसपी सर के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए क्राइम कंट्रोल के साथ साथ मैच में भी बहुत अच्छा कंट्रोल रखा है इन्होंने और टाउन थाना अभेश सर एसपी साहब के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन विधि व्यवस्था चारों तरफ से दर्शकों की भीड़ को देखते हुए इन्होंने पूरा विधि व्यवस्था तंदुरुस्त करके रखा सबसे अच्छी बॉलिंग और सूचना एवं जनसंपर्क से संबंधित पदाधिकारी महोदय को एसपी साहब के द्वारा जीत से सम्मानित करते हुए मेडल पहनाते हुए अमित जी नगर परिषद अरवल के संवेदक अमित जी जिन्होंने साफ सफाई में सबसे अहम भूमिका निभाई उनको एसपी साहब के द्वारा जीत का मेडल पहनाते हुए अपने टीम को जिताने की खुशी में सबसे ज्यादा अपने टीम को जिताने की खुशी में बहुत ही अच्छा योगदान रहा इनका डिपो साहब अपने हाथ को बी टीम सर विजेता टीम अपना हाँ बहुत अच्छा तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती रहे एसपी साहब के द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया जा रहा है हीरो से जड़ित और सोना चांदी से यहाँ परती चढ़ाई हुई 70 लाख रुपए का बहुत सुंदर खेल आप मेन ऑफ द मैच सर दोनों पार्टी का जीता हुआ खड़ा वो बैठेगा जीता हुआ अच्छा मेन ऑफ द मैच के रूप में हम एसपी साहब चाहे कड़े कुर्ता वीडियो साहब को कुर्ता वीडियो साहब को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दे कुर्ता वीडियो साहब को मैन ऑफ द मैच बेस्ट प्रोफेसर विकास जी को बेस्ट प्रोफेसर विकास सर को
बैट्समैन 49 रन बनाकर इस टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई विकास जी को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं, जब तक यह अरवल रहेगा हम लोग खेल खेलते रहेंगे, एडीएम साहब हमेशा याद रहेंगे, अपने इस उम्र के पड़ाव में भी जो उन्होंने कैच लिया है। अब एसपी साहब चाहेंगे कि एडीएम साहब को बेस्ट कैच के लिए आप उन्हें पुरस्कृत करें। बेस्ट कैच ऑफ द मैच, बॉलर, बेस्ट बॉलर। आप तारीफ किए कि बुराई किए? उम्र क्या होता है, जवान है। सॉरी सर, सॉरी सर, बहुत अच्छा सर प्रदर्शन रहा आपका। एडियो साहब सर साथ आ जाए, चलिए हिप हिप हो रहे। धन्यवाद सर, कुछ नहीं होगा। हाँ ट्रॉफी सर सभी को, एस पी साहब सभी को ट्रॉफी अति देखे सम्मानित करेंगे। पत्रकार एकादश की टीम, भरोसर भरोसर बाबू आइए लीजिए। 15 अमित अमित अंकित क्या है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा? चंदू चंदू अगर आप लोग की इच्छा होगी तो एक अच्छा कमेंट्री करने में हमको भी दे सकते हैं। आप लोग की इच्छा होगी तब तो मेरा फोटो एक भी नहीं है उसमें। चंदन चंदू ने अच्छा, चलिए अब विजेता टीम की ओर विजेता टीम को ट्रॉफी दिया जाए। निशिकांत जी हैं, प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय रंजन जी संजय रंजन जी लास्ट में लास्ट में महात्मा संजय रंजन जी बहुत टाइम रुका ना। एसपी साहब से चाहेंगे दोनों एम्पायर साहब को भी आप मेडल देकर सम्मानित करें। हमारे राजू जी और अच्छा जी हैं, अच्छा जी आइए। अरे आइए राजू जी, अरे आइए तो आया तो जाइए, क्या दिक्कत है। आरिफ कहाँ गया? आइए आ रहा सर, आ रहा राजू। आरिफ फोटो आइए 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 प्लीज 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 प्लीज। खेल प्रेम की भावना है, चार को दो बना रहे थे। हार के गम में नहीं डूबना है, हम लोग उत्साह वर्धन। चलिए तालियों। अच्छा जी, अच्छा सर कमेंटेटर को भी कालू बतरना के नाम, एक ट्रॉफी कालू बतरना जी को भी जाता है। नाम बहुत बढ़िया लिखल करी यार। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, इनको बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड दिया जा रहा है। कमेंटेटर साहब कहाँ गया? आइए कमेंटेटर। लास्ट में आशुतोष जी दैनिक भास्कर के पत्रकार, इनको एडीएम साहब सर के द्वारा बेस्ट कमेंटेटर का अवार्ड दिया जा रहा है। होटल सर के लिए बढ़िया था, हम लोग दो आदमी इनको हो गया ऐसे हो गया ना, अभी तो चालू के रही होता है। बहुत ही मनोरम दृश्य इस ऐतिहासिक गांधी मैदान का। अभी आरिफ पत्रकार को एडीएम सर के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। चीना जी को एसपी साहब के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है। हो गया, आइए आप आइए, हम ले लिए हैं, आप ले लिए हैं सर। लगे हाथ मुझे भी दे दीजिए, स्कोरर को भी दे दीजिए। लेकिन ये हाफ पैंट पहने, अरे भाई मत लीजिएगा, प्रेस लीजिएगा, पैंट से ही आएगा फोटो। नगर परिषद गुंजन सर को सम्मानित कर रहे हैं एसपी साहब।
मैदान तैयार यही की है। अब जीत वाले नहीं, बहुत अच्छा स्कोरिंग किया है। ईमानदारी पूर्वक अपने फैमिली से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सच्चाई को उजागर करेंगे, जीत को अब हम चाहेंगे एडीएम साहब, कैप्टन साहब से, एसपी साहब से कि एडीएम साहब को अपनी टीम के साथ पत्रकार एकादश की टीम एक जगह आ जाए। कहाँ चले गए सब? बहुत ही एडीएम साहब से बॉल छुट्टा हुआ, एडीएम साहब शायद घायल भी हो गए हैं, क्या मेडिकल टीम भेजा जाए? प्रयास बहुत अच्छा रहा एडीएम साहब। वाह, बहुत सुंदर, दो रन, वाह, जोरदार तालियां संजय नंदन जी के लिए। मिली है और मिड विकेट को पार किया, बॉल सर सुमित के द्वारा एक रन। बॉलर वीडियो साहब हैं, सदर प्रखंड अनुरुद्ध भाई के कुर्था वीडियो साहब है और धीरे धीरे कदमों से विकेट को पार करते लाजवाब अंकित के द्वारा बैटिंग, उतना ही अच्छा वीडियो साहब के द्वारा बॉलिंग की गई, उसको नीचे खतर हो गया। और देखते हैं न्यूज 18 के जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, अभी तक 6 बॉल के सामना किए लेकिन खाता नहीं खोले हैं, देखते हैं कब खाता खोलते हैं। मिड विकेट के पार किया और गोल्ड, इस तरह से गोल्ड हो गए शानदार तरीके से और पवेलियन से बाहर आते हुए। और पत्रकार एकादश की मंत्रणा चल रही है कि आखिर बल्लेबाजी कौन करे, निश्चित तौर पर कही जाएगी कि जिला प्रशासन की गहरी गेंदबाजी है और उनकी गेंदबाजी के सामने वह किस प्रकार से मुकाबला और इस मैदान पर आइए जल्दी खराब टंगनी लगेगा ना सर, इससे चोट नहीं लगेगा, चोट नहीं लगता है। हम लगता है अभी सभी लोग खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा चलिए आधी बेहतर है सर के लिए। अनिरुद्ध जी जैसा कैप्टन होंगे, मतलब नायक होंगे इस टीम के, तो फिर क्या हो रहा है? अरे वाह, इधर से वाह। गौरव है दोनों करते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आप भी बारी बारी से
पुलिस अधीक्षक महोदय, पत्रकार एकादश टीम से परिचय करते हुए आज का मैच पत्रकार बनाम पत्रकार एकादश बनाम जिला प्रशासन का है। सर विचार के खेलिए ना, खेलिए ना, बढ़िया वीडियो आएगा सर। जिला प्रशासन ने जीता है और पहले जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। अतिथि मुख्य अतिथि का जो भाषण होते हैं, जो उनका संबोधन होता है, उसके लिए समीक्षा क्रम में जवानों को आगे आया जाता है, वही प्रक्रिया की जा रही है। जिला पदाधिकारी महोदय के खास इस अवसर पे शुक्रगुजार हूं इस जिला में आगमन से। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मंच की ओर आते हुए फर्स्ट कमांडर वाहन से उतरेंगे और उन्हें अभिवादन करते हुए अपने स्थान पे आएंगे। तब तक निरीक्षण वाहन अपने मंच की ओर बढ़ेगा और राष्ट्रीय ध्वज की आगे कार्रवाई के लिए सारी टोली तैयार रहेगी। ये सतत नंबर 3 टोली के सामने से निरीक्षण वाहन गुजरता हुआ सामूहिक रूप से जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का अभिवादन हो रहा है।
अब प्लाटून कमांडर द्वारा निरीक्षण के लिए अनुमति चाहते हुए आगे की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर आते हुए और अनुमति प्राप्त करेंगे और निरीक्षण की कार्रवाई होगी। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है। पुलिस अधीक्षक महोदय निरीक्षण वहां पे सवार होते हुए और उनके साथ फर्स्ट कमांडर श्री प्रशांत कुमार निरीक्षण लाइन पे आगे बढ़ते हुए मिलता है और जो तो हमेशा हम विधि व्यवस्था तमाम ड्यूटियों के लिए अग्रसर रहते हैं, लेकिन ये सामूहिक 15 अगस्त और 26 जनवरी मेरे लिए एक महापर्व के रूप में आता है और मैं इसमें सब मिलकर के पुलिसकर्मी हर्षोल्लास के साथ कम समय में भी अच्छे प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक प्लाटून से निरीक्षण वाहन गुजरता हुआ ये पुलिस लाइन के प्रांगण में जिला सशस्त्र बल पुरुष का प्लाटून एक के सुबोध कुमार पुलिस अधीक्षक महोदय का अभिवादन होगा जो फर्स्ट कमांडर द्वारा किया जा रहा है। Yeah.
अब घूम जाओ भैया, वो पट्टी में जाओ। हाँ वो जाओ, वहीं पर वहीं पर वहीं पर चारों पट्टी ले लेंगे। आ जाना पीछे में, पीछे जा, पीछे में है। हाँ ये पट्टी भैया, ये पर आ जा। हाँ झका फिर भी है हाँ, रुकी रुकी, हाँ रुकी। हाँ ये में धुंधला जो भैया ऐसे धुंधला जगह इन से बढ़िया रहा था। ये पट्टी वाला, ये पट्टी वाला सबसे बढ़िया रहा था। हाँ ये झकास आ रहा था। हाँ दे देंगे। धन्यवाद। और अच्छा चलाइए।
नगर परिषद अरवल द्वारा नगर परिषद क्षेत्र आवास आवंटन से लाभान्वित श्री कृष्णा सिंह भूटन सिंह नगर परिषद अरवल द्वारा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आवास आवंटन से लाभान्वित व्यक्ति श्री कृष्णा सिंह एवं श्री भूटन सिंह को पुरस्कृत करते हुए माननीय श्री महानंद सिंह जी विधायक अरवल मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत श्री राम शरण सिंह श्री रामदेव सिंह श्री सुबेदार सिंह श्री श्याम नारायण शर्मा श्री नंदेव प्रसाद सिंह चलिए श्री राम शरण सिंह आगे अपने श्री राम शरण सिंह राम प्रसाद सिंह दरिया गया कृषि विभाग से संबंधित अच्छे कार्य के लिए श्री राम सिंह है रामदेव सिंह श्यामलाल अगले हैं सुबेदार सिंह विधिचंद सिंह मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण हेतु इसके बाद श्याम नारायण शर्मा मुद्रिका शर्मा दरिया अगला है खादी की मात्रा में सुझाव के लिए ये है नंददेव प्रसाद सिंह राम प्रदेश सिंह इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अरवल जिला अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले अस्पताल सदर अस्पताल को सदर अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अरवल जिला अंतर्गत बेहतर कार्य करने वाले अस्पताल सदर अस्पताल को पुरस्कृत किया जाएगा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदया के द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जिला प्रशासन अरवल की ओर से बार बार अभिनंदन करते हैं बच्चे जिन्हें कार्यक्रम प्रस्तुत करना है कृपया मंच पे आगे आ जाएं जल्दी उन्हें सम्मान करते हैं अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में देखिए बाबा ये देखिए तंग से आनंद इधर श्री राम इकबाल शर्मा बाबा बाबा ग्राम सैफपुर बाबा दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा आपके सामने मंच पर हैं इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बच्चे तैयार रहेंगे छात्रों द्वारा जय हो गीत पर और छात्राओं द्वारा देश रंगीला रंगीला वो बच्चे तैयार रहेंगे प्रसाद सिंह जो ग्राम हैबतपुर के रहने वाले हैं माननीय मंत्री जी एवं जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है अभी आपके सामने अरवल जिले के नाम संदेश माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री अरवल जिला का संदेश सुन रहे थे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जो आज का कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान का है
उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री गया प्रसाद से ग्राम हैबतपुर। मैं अरवल जिला अरवल काम कर रही है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयास से अरवल जिला में शहरी वानिकी अंतर्गत पौधारोपण एवं पथ तट पर पौधा लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा, बेहतर सड़क का निर्माण, शहरी विकास कार्य पूरे राज्य में किया जा रहा है। बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को सहयोग से राज्य विकसित हो रहा है। हमारा सेनानीगण, माननीय विधायकगण, अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नागरिकों, उपस्थित सभी प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडियागण, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 70वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। हम सभी जानते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इस अवसर पर मैं अमर शहीदों को नमन करता हूँ। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अरवल जिला ने भी राज्य सरकार के विकास में अपना सकारात्मक योगदान दिया है। आप सब अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में नल जल योजना लाई गई, जिसमें अरवल जिला ने 100% उपलब्धता हासिल की है। शराबबंदी, शौचालय, देखिए सर, धन्यवाद सर। बस धन्यवाद सर, हो गया। बस की आज के इस झंडोत्तोलन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय श्री तेज प्रताप जाड़ो जी, जो सामने सर जाइए, सामने सर जाइए, सामने सर जाइए, सामने
आप थोड़ा पीछे आओ ना, आप पीछे इस लाइन के पीछे आओ ना, लाइन के पीछे आओ ना। अरे भाई हेलो, अभी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम। जिला प्रशासन अरवल की ओर से सामने अरवल के जिलाधिकारी महोदय, अपनी आजादी को हम हर गिर मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो अब तक खौला नहीं, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। परेड का निरीक्षण कर वापस होते हुए माननीय हम आज 77वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तिरंगा झंडा को फहराने के लिए परेड मैदान में माननीय साथ में अरवल के पुलिस अधीक्षक महोदय, परेड का निरीक्षण करने निकलते हुए प्रभारी जिला मंत्री आज के इस समारोह में उपस्थित थे। परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है। परेड निरीक्षण के लिए मंच से वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव जी का आगमन हुआ है। अरवल जिला प्रशासन के साथ अरवल की जनता अभिनंदन करती है। मंच पर अग्रसर होते हमारे बीच माननीय
बिहार सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह अरवल जिले के प्रभारी मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव जी का आगमन हो चुका है। महोदय हैं बिहार सरकार के माननीय जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय श्री तेज प्रताप सिंह यादव जो अरवल जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्हीं के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। चंद मिनटों के बाद यह कार्यक्रम आपके सामने होगा। आज के इस कार्यक्रम में पहली बार जिस कार्यक्रम के इंतजार में हम यहाँ उपस्थित हैं, जिज्ञासा से बैठे हुए हैं, वह कार्यक्रम चंद मिनटों के बाद आपके सामने होगा। आज हम जिस पर्व को मनाने जा रहे हैं वह अपने आप में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरवल के इस गांधी मैदान में उपस्थित जन समूह को जिला प्रशासन अरवल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे बीच आदरणीय जिला आगमन हो चुका है और उनकी गाड़ी धीरे धीरे मंच पर पुलिस अधीक्षक महोदय बता चुके हैं, पीछे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का आगमन हो चुका है। आज का यह कार्यक्रम आपके सामने होगा।